यह मंदिर मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित है। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्मस्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए दुनिया में मंगलनाथ मंदिर से बढ़कर कोई स्थान नहीं है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल माना जाता है। सिंधिया राजघराने में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है। मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इस कारण इस मंदिर में मंगल की उपासना शिव रूप में भी की जाती है। मंगल दोष पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक के जन्म चक्र के पहले चौथे सातवें आठवें और बारहवें घर में मंगल हो तो ऐसी स्थिति में पैदा हुआ जातक मांगलिक कहा जाता है। ये स्थिति विवाह के लिए अत्यंत अशुभ मानी जाती है। संबंधों में तनाव व बिखराव, घर में कोई अनहोनी व अप्रिय घटना, कार्य में बेवजह बाधा और असुविधा तथा किसी भी प्रकार की क्षति और दंपत्ति की असामयिक मृत्यु का कारण मांगलिक दोष को माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं और अपनी समस्या का निवारण करवाते हैं। कथपुराण के अमवतिका खंड में इस मंदिर के जन्म से जुड़ी कथा है। कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव से वरदाना पाया था कि उसके रक्त की बूंदों से नित नए दैत्य जन्म लेते रहेंगे। इन दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त जनता ने शिव की आराधना की। तब शिव शंभू और दैत्य अंधकासुर के बीच घनघोर युद्ध हुआ। ताकतवर दैत्य से लड़ते हुए शिवजी के पसीने की बूंदें धरती पर गिरी, जिससे धरती दो भागों में फट गई और मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। शिवजी के वारों से घायल दैत्य का सारा लहू इस नए ग्रह में मिल गया, जिससे मंगल ग्रह की भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश हुआ और शिव ने इस नए ग्रह को पृथ्वी से अलग कर ब्रह्मांड में फेंक दिया। इस दंत कथा के कारण जिन लोगों की पत्रिका में मंगल भारी होता है, वो उसे शांत करवाने के लिए इस मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस मंदिर में मंगल को शिव का ही स्वरूप दिया गया है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी और यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।